दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। देखिए ऐसी होगी हमारी दुनिया मंगल ग्रह पर, कभी गर्मी का कहर तो कभी बाढ़ की आफत। आए दिन कोई ना कोई तबाही हमें ये याद दिलाने के लिए आ जाती है कि धरती का अंत नजदीक आ रहा है। ऐसे में एक बार अगर पृथ्वी नष्ट हो गई तो उसके साथ साथ पूरी इंसानी प्रजाति भी नष्ट हो जाएगी और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और इसी चीज को पहले से सोचकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने का फैसला कर लिया है। और ये कोई बंद आंखों से देखा जाने वाला सपना नहीं, बल्कि खुली आंखों से देखा जाने वाला वो ख्वाब है जिसे पूरा करने में नासा भी एलन मस्क का पूरा साथ दे रहा है, जहां ये दोनों मिलकर मंगल पर बस्ती बना रहे हैं। पर आखिर ये सब होगा कैसे और मंगल ग्रह की दुनिया कैसी होगी, आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने ही तो आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एलन मस्क की दो बड़ी कंपनियां, एक तो टेस्ला जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है और दूसरी स्पेसएक्स जो स्पेस मिशन को अंजाम देने का काम करती है। अब टेस्ला तो बिना फ्यूल के चलने वाली गाड़ियों को तैयार करती है, तो वहीं स्पेस एक्स भी बहुत कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करने वाले रॉकेट बनाती है, क्योंकि एलन मस्क हमेशा कम खपत में ज्यादा फायदा लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। देखा जाए तो धरती से मंगल की दूरी 6,20,00,000 मीटर है और एलन मस्क आने वाले 30 सालों में 1,000,000 लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचाना चाहते हैं। अब इतने सारे लोगों को अगर मंगल ग्रह पर ले जाना है तो कम फ्यूल वाली तकनीकों को आजमाना पड़ेगा। और खबर तो ये भी मिली है कि मंगल तक पहुंचने के लिए एक अलग तरह की स्पेसक्राफ्ट को बनाने का काम चालू है, जिसे ज्यादातर टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरी से ऑपरेट किया जाएगा, जिससे फ्यूल कम लगेगा। खैर जैसे तैसे एलन मस्क इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मंगल पर भेज, तब भी वो इंसान करेगा क्या, क्योंकि मंगल ग्रह पर तो धरती जैसी कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है। ऐसे में इंसानों की जिंदगी मंगल ग्रह पर कैसी होगी। दोस्तों सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ये तो आपको मालूम होगा। धरती के पास शुक्र और मंगल है। शुक्र ग्रह पर इंसानों को बसाना नामुमकिन है, क्योंकि वहां का तापमान इतना गर्म है कि इंसान वहां प्रवेश करते ही आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा। इसलिए बारी आती है मंगल ग्रह की, जहां पर शुक्र ग्रह जैसी गलती हुई गर्मी तो नहीं है, लेकिन वहां इतनी ठंड जरूर है कि जितनी पृथ्वी के आर्कटिक इलाके में होती है। लेकिन दिक्कत केवल ठंड की थोड़ी ना, मंगल ग्रह पर हमारी सांस लेने जितना जरूरी ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर प्रेशर ही नहीं है। अब आप बोलेंगे जब ये सब नहीं है तो भला इंसान वहां कैसे रह सकता है, तो दोस्तों यहीं पर तो असली काम शुरू होता है। असल में स्पेसएक्स और नासा ने यह तय किया है कि 2026 तक मंगल ग्रह पर पहले इंसानों का एक छोटा समूह भेजा जाएगा, जिनके पास खाने पीने से लेकर जरूरी ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट होंगे जो सालों तक चलते रहेंगे। लेकिन इंसानों के जाने से पहले मंगल पर कुछ ऐसे बेस बनाने पड़ेंगे जिससे कि वहां की जानलेवा धूल भरी आंधी से इंसान बचे और रहने के लिए परमानेंट जगह मिल सके। अब आप सोच सकते हैं जब इंसान मंगल ग्रह पर नहीं जाएगा तो भला वहां पर रहने का इंतजाम कौन करेगा। तो दोस्तों हम इंसानों द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पावरफुल टूल यानी कि रोबोट्स इस काम को अंजाम देंगे। सबसे पहले मंगल ग्रह पर AI टेक्नोलॉजी वाले ऐसे रोबोट्स भेजे जाएंगे जो वहां पर रहते हुए सेंटर का निर्माण करेंगे। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर असल में मंगल ग्रह की मिट्टी से बनाए जाएंगे। ये खास तरह के रोबोट्स वैसे तो अलग अलग होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक साथ मिलकर भी काम कर सकेंगे, जहां ये आलसी इंसानों से कहीं ज्यादा काम करने में सक्षम होंगे, जिनमें कैमरा सेंसर और मिट्टी खोदने के लिए एक्सक्यूवेटर और मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटर्स लगे होंगे। सबसे पहले तो ये रोबोट्स एक जगह का चुनाव करेंगे जहां की मिट्टी से ये शेल्टर बनाए जाएंगे। उसके बाद मिट्टी खोदने वाले एक्सक्यूवेटर अपने काम पर लग जाएंगे और वह जमीन से मिट्टी निकालने के बाद उसे स्टोर करेंगे, और फिर रोबोट्स के अंदर ही मिट्टी साफ होने के लिए जाएगी, और उसके बाद मिट्टी को 3D प्रिंटर में डालकर जरूरी ढांचा तैयार किया जाएगा। इस पूरे काम को धरती से ही वैज्ञानिक मॉनिटर करेंगे और इसे अंजाम देंगे। जब शेल्टर बनकर तैयार हो जाएगा तो ये रोबोट्स अपने दूसरे टास्क के लिए तैयार होंगे। असल में जब इंसानों का ग्रुप मंगल में जाएगा तो उसमें बहुत सारा सामान भी होगा जिसे स्पेस शिप
से उतार कर सेंटर तक ये रोबोट्स लेकर आएंगे और उन सामान को सही ढंग से उनके निर्धारित स्थान पर रख देंगे और इसके साथ ही प्रेशराइज्ड यूनिट को भी अलग अलग करके रख देंगे जिसमें इंसान रहेंगे। इन सभी यूनिट्स को जोड़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछा दी जाएगी जो सोलर फार्म से बिजली लेकर चलेगी जो पहले से रोबोट्स द्वारा बनाया गया होगा। वैसे दोस्तों अगर कोई मंगल ग्रह की सैर करना चाहेगा तो उसके लिए भी पूरा बंदोबस्त किया जाएगा क्योंकि गाड़ी उसके कैबिन के दरवाजे से आकर लग जाएगी जिससे प्रेशर रिलीज ना हो और फिर उस गाड़ी में बैठकर मंगल ग्रह की सैर कर सकता है। इतना ही नहीं वहां पर एक ग्रीन हाउस बनाने का भी काम शुरू होगा ताकि खाने के लिए फल और सब्जियां उगाई जा सके। रिसर्चर की माने तो मंगल ग्रह पर शुरुआत में आलू और बीन्स की सब्जियां उगाई जाएंगी। इस ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा इस्तेमाल ऑक्सीजन पैदा करने का होगा क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे ही वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे जिस कारण जरूरी ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। पर इतने से ऑक्सीजन से भला क्या फायदा होगा, ये वजह है कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लांट भी लगाने होंगे। ऑक्सीजन बनाने के लिए जो रिसर्च पहले की जा चुकी है वो मार्स रोवर मशीन से की गई है जो मंगल के वातावरण से CO2 लेकर उसमें जरूरी इलेक्ट्रिक करंट के जरिए ऑक्सीजन के दोनों एटम को अलग करके O2 बनाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दें मंगल ग्रह की जमीन के नीचे जमे हुए पानी का भंडार भी मार्स रोवर मशीन पहले ढूंढ चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए सब्जियां और पीने के लिए पानी मंगल ग्रह पर मौजूद हो जाएगा और इन सारी चीजों से इंसान जिंदा तो रह सकता है लेकिन उसके लिए उसे कैबिन में रहना पड़ेगा। पर क्या हर समय कैबिन में रहा जा सकता है? तो दोस्तों एलन मस्क का कहना है कि अगर मंगल ग्रह का वातावरण रहने लायक बनाना है तो उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए अगर वहां पर 10,000 न्यूक्लियर बम छोड़ दिए जाएं तो वहां का तापमान बढ़ जाएगा और मंगल पर भी धरती जैसा माहौल बन जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर बम के विस्फोट से जो रेडिएशन निकलेगी वो भी हम इंसानों के लिए खतरनाक है। ऐसे में वैज्ञानिक लगातार मंगल ग्रह पर और ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं ताकि उसे धरती की तरह रहने लायक बनाया जा सके। बाकी आपका मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती के बारे में क्या विचार है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।